साथ ही स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जो रचनाकार पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। और हिंदी में यदि सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं तो वो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखे हैं। 50 से अधिक नाटक मिलते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी के। और ये प्रश्न पूछा भी गया था एक नेट की परीक्षा में, हिंदी नेट जूस नेट की परीक्षा में, कि किस रचनाकार ने सबसे अधिक हिंदी में नाटक लिखे हैं। तो वो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं साथियों, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, एक हम वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं एंटी जूस नेट के रिगार्डिंग, या अन्य हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, लेक्चरर कैडर हो, चाहे पंजाब में जो परीक्षा आ रही है लेक्चरर कैडर की, चाहे दिल्ली की भर्ती हो अध्यापकों की, टीजीटी हिंदी की, DSSSB की, तो सबके लिए ये बहुमूल्य वीडियो होने वाली है। साथियों, से पढ़ना शुरू करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी के बारे में। तो साथियों, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ने से पहले हम इनके जीवन के बारे में तनिक पढ़ लेते हैं, जितना परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सही होगा। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 4 मार्च 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर में हुआ था। उन्होंने MA तक की शिक्षा पाकर PhD की उपाधि भी पाई थी। ठीक है, और हिंदी साहित्य के बारे में और क्या इन्होंने योगदान दिया, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास, इस विषय पर उन्होंने DPhil की उपाधि प्राप्त की थी, और इस विषय पर उनकी थीसिस को श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तो जो PhD के बाद उन्होंने कार्य किया, DPhil की जो उपाधि प्राप्त की, ठीक है, तो वो ये विषय था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास। ओके, आगे साथियों पढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल बड़े होकर मुख्य रूप से नाटककार हुए, और नाटक एवं नाटकीयता से लगाव उन्हें बचपन में ही हो गया था। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। रामलीला, नौटंकी, विदेशिया आदि नाट्य लोक नाट्य से, जिसे लोक नाटक बोलते हैं, लोक नाट्य से उनका साक्षात्कार बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। फलस्वरूप उनके चिंतन एवं सृजन के मूल में भारतीय जनजीवन रहा है। उनकी जड़ें भारतीय परंपराओं में गहरी स्थिति में थीं। ओके, तो ये उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है साथियों, उनका जो देहावसान था या मृत्यु थी, वो 20 नवंबर 1987 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। ठीक है साथियों, तो अभी हम उनके नाटकों के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो उनके 50 से अधिक नाटक साथियों हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ नाटक आपके सामने रखेंगे और उनके पात्र भी। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं हम पढ़ना अंधा कुआ नाटक। ठीक है, सारांश किसी और वीडियो में लेकर आएंगे इन नाटकों का, लेकिन हम पहले इनके पात्र पढ़ लेते हैं नाटकों के साथ। अंधा कुआ नाटक है 1955 में। ठीक है, और ये लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक है। इसके प्रमुख जो पात्र हैं वो है भगवती, सूक या सुक्का जिसे बोला गया है, ठीक है, पात्र हैं ये, और इंद्र, जो तीन पात्र इसके प्रमुख हैं। अगला नाटक इनका है मादा कैक्टस। ठीक है, 1959 में आया था। प्रमुख पात्र हैं अरविंद, सुजाता, मीनाक्षी। पात्रों के बारे में और इनके नाटकों के प्रकाशन वर्ष के बारे में अक्सर नेट की परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो याद कर लेना साथियों आपने। सुंदर रस 1959 में आया, प्रमुख पात्र है पंडित राज। ओके, अगला नाटक है उनका सूखा सरोवर 1960 में आया। प्रमुख पात्र हैं सन्यासी राजा, ठीक है, छोटा राजा और राजकुमारी, राजकुमारी का प्रेमी। आगे तीन आँखों वाली मछली, ठीक है, ये उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ये भी जितने भी नाटक अभी हमने आपको पढ़ाए साथी, जितने भी नाटक के नाम आपको दिखाए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, जीवन में से प्रमुख हैं। 1960 ईस्वी में आया तीन आँखों वाली मछली। प्रमुख पात्र हैं श्याम बिहारी दास, कमल नयन और बधु। दर्पण नाटक, ठीक है, दर्पण 1961 में आया, जैविक उनका महत्वपूर्ण नाटक है। प्रमुख पात्र है हरिपदम और पूर्वी। अगला है साथी नाटक तोता मैना। ओके, नाटक तोता मैना जीवन का प्रमुख नाटकों में से एक माना गया है, राजा रानी। साथी वही नाटक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो उनके 50 से ज़्यादा नाटक मिलते हैं। आगे साथियों, रात रानी। रात रानी नाटक भी प्रमुख नाटकों में से एक है। 1962 ईस्वी में आया। प्रमुख पात्र है जयदेव, कुंतल और निरंजन। ओके साथियों, आगे है रक्त कमल जी, उनका अगला नाटक है। 1962 में आया था और प्रमुख पात्र है कमल, ठीक है, कमल, महावीर दास और अमृता और कनु। आगे साथ ही सूर्यमुख, ये भी उनका इम्पोर्टेंट नाटक है सूर्यमुख।
1968 में आया था। प्रमुख पात्र है कृष्ण, प्रद्युमन, आगे है वेणुरति, रुक्मणी और सांब और भवरू। ठीक है, आगे साथियों कलंकी, यह भी उनका इम्पोर्टेंट नाटक है, 1969 में आया। प्रमुख पात्र हैं हेरू, अकुलक्षेम और तारा। ठीक है, आगे साथियों मिस्टर अभिमन्यु, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है, उनका 1971 में आया था और प्रकाशित हुआ था। इसके प्रमुख पात्र हैं साथियों राजन, बिमल, केजरीवाल और गया दत्त। आगे इनका एक और नाटक महत्वपूर्ण है कर्फ्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो दोनों ही मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू प्रमुख पात्र हैं। कर्फ्यू भी 1972 में आया। ठीक है, तो मिस्टर अभिमन्यु 1971 में, कर्फ्यू 1972 में। प्रमुख पात्र हैं मनीषा, गौतम, कविता और संजीव। ठीक है, आगे पढ़ते हैं साथियों अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना जो इनका नाटक है 1973 में आया, अब्दुल्ला इसका प्रमुख पात्र है। ओके, आगे गुरु 1974 ईस्वी में आया, जो नाटक उनका प्रमुख पात्र है चाणक्य। ठीक है साथियों, आगे है व्यक्तिगत, ये भी इनका महत्वपूर्ण नाटक माना गया है। प्रमुख पात्र है मैं अर्थात पति, ठीक है, और वह अर्थात पत्नी, ऐसी इसी प्रकार से पूरा नाटक संवाद के रूप में चलता है। 1974 में आया जी। आगे साथियों नरसिंह कथा, ये उनका अगला नाटक है, 1975 में आया नरसिंह कथा। प्रमुख पात्र है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, जय, विजय, महासुंदरी, शुक्राचार्य और वज्रदंत। प्रहलाद की जीवनी के ऊपर लिखा गया नाटक है नरसिंह कथा। ओके, जिसमें भगवान विष्णु जो हैं प्रकट होते हैं प्रहलाद के गुरु के रूप में, जब प्रहलाद को सजा दी जा रही होती है। ठीक है, तो आपने ये कथा पढ़ी होगी पहले भी। ओके, एक सत्य हरिश्चंद्र, यदि आपने MA हिंदी पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है तो आपने एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक पढ़ा होगा। यदि आपने हिंदी नाटक तीसरे सेमेस्टर में हिंदी नाटक जो ऑप्शन लिया होगा, ठीक है, पेपर, तो एक सत्य हरिश्चंद्र लगा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में नाटक के रूप में। तो प्रमुख पात्र इसका है देवदर और जीतन। ओके, वैसे तो बहुत सारे हैं, आपके सामने इसकी कथा हम रखेंगे एक बार। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी में आता साथियों, बहुत महत्वपूर्ण नाटक में मानता है इसको। ओके, शंकर ध्वज, ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष आप जरूर लिख लीजिए। संस्कार ध्वज। ओके, अगला है जक्ष प्रश्न, क्या है जक्ष प्रश्न, 1976 ईस्वी नाटक आया। इसके प्रमुख पात्र है पांचों पांडव, उनके नाम आप याद कर लीजिएगा पांडवों के। ओके, द्रौपदी और विदूषक। ठीक है, आगे साथी चतुर्भुज राक्षस, ये उनका अगला नाटक है, 1976 ईस्वी में आया था चतुर्भुज राक्षस। अगला है साथियों शगुन पंछी, 1977 ईस्वी में आया। ठीक है, और इसके बारे में क्या बोला गया कि नाटक तोता मैना का पुनर्लिखित रूप माना जाता है यह नाटक। ठीक है, जो नाटक तोता मैना हमने ऊपर आपको अभी पढ़ाया उसका एक पुनर्लिखित रूप है शगुन पंछी, जो पूछा जा सकता है नेट की परीक्षा में, इसी तरह के गहराई वाले प्रश्न बनते हैं। तो प्रमुख पात्र राजा, रानी, गंगा और पंचम। आगे साथियों गंगा माटी, ठीक है, गंगा माटी जो 1977 ईस्वी में उनका नाटक आया। प्रमुख पात्र हैं गंगा, देवल, कमल और शिवानंद। आगे सबरंग मोहभंग, सबरंग मोहभंग 1977 ईस्वी में जो नाटक आया था उनका। कुछ नाटकों के पात्र आपके सामने नहीं रखे हैं तो समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है ये उनके नाटक है, ये अवश्य पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे साथियों पंच पुरुष, जो भी उनका इंपॉर्टेंट नाटक है 1978 में आया था। ठीक है, प्रमुख पात्र है पंचानंद बाबा। ओके, राम की लड़ाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, नेट की परीक्षा में पूछा गया है। इसका प्रमुख नाटक का जो पात्र है, प्रमुख पात्र वो है राम गुलाम। ओके, आगे कजरी वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाटक है, 1980 ईस्वी में आया था। और जो ऊपर वाला था राम की लड़ाई वो 1979 में आया था, जो 1980 में आया कजरी वन। ठीक है, प्रमुख पात्र है कजरी और बलदाऊ। आगे साथियों लंका कांड, ठीक है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लंका कांड 1983 ईस्वी में आया था और गोरा और मोहन इसके दो मुख्य पात्र हैं इस नाटक के। अरुण कमल एक, ठीक है, अरुण कमल एक 1984 ईस्वी में उनका नाटक आया था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का यह नाटक उनके गुरु, ठीक है, गुरु नाम से जो पीछे अभी नाटक हमने आपको कराया जिसका मुख्य पात्र चाणक्य था, उसका परिवर्तित रूप है, मतलब फिर से परिवर्तित करके लिखा गया था यह नाटक अरुण कमल एक के नाम से, और प्रमुख पात्र वही चाणक्य। आगे साथियों बलराम की तीर्थ यात्रा, क्या है बलराम की तीर्थ यात्रा 1984, प्रमुख पात्र कौन से, बलराम, कृष्ण, रेवती और रोम हर्षक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नाटक है बलराम की तीर्थ यात्रा 1984 ईस्वी में आया।
आगे एक और नाटक है मन, 1984 में आया था। ओके, जे भी इम्पोर्टेंट है साथियों, और राजन, बीमल, गयादत और केजरीवाल जिनके प्रमुख नाटक हैं, माफ़ करिएगा, प्रमुख पात्र हैं। आगे साथियों कथा विसर्जन, 1987 में ये नाटक आया था, और प्रमुख पात्र हैं माँ और उसकी बहू नीलम। ओके, तो हंसने वाली लड़कियाँ ये एक अन्य नाटक है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट नाटक मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पात्रों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही आप नाम याद कर लीजिएगा। 1987 में ये नाटक आया था। ओके, अगला जो जो उनकी रचनाएं विधा हैं वो हैं एकांकी संग्रह, फिर उसके बाद अपने आंसुओं के बारे में जान लेते हैं साथियों। ज़्यादातर उनके नाटकों के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार आगे पीछे उनके अन्य रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो जैसे एकांकी संग्रह उनके पर्वत के पीछे 1952 में आया, नाटक बहुरूपी 1964 में, ताजमहल के आंसू 1970 में, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972 में। ये एकांकी संग्रह है, इसको आप याद नहीं करना है, लेकिन जो पहले तीन हैं ये इम्पोर्टेंट है साथ, इनके नाम आप अवश्य ही याद करिए। ओके, आगे उनके उपन्यास। ओके, इनके उपन्यास इस प्रकार से हैं, धरती की आंखें 1951 में, दूसरा है बया का घोंसला और सांप 1951 में। साथ ही उपन्यास भी इनके इम्पोर्टेंट है, धरती की आंखें 1951 में आया, बया का घोंसला और सांप 1951 में। तीसरा है काले फूल का पौधा 1951 में, रूपा जीवा 1959 में। ये जो तीन नाटक है ना साथियों, ये वाले तीन ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बड़ी चंपा छोटी चंपा, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है मुझे, अगली वीडियो में बताएंगे किसी और अन्य वीडियो में। मन वृंदावन, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है, लेकिन बड़ी चंपा छोटी चंपा ये नाटक पूछा जा सकता है साथियों, इम्पोर्टेंट नाटक है। ओके, आगे साथियों प्रेम एक अपवित्र नदी 1972 में ये आया था। साथियों मैं कई बार बीच में नाटक बोल देता हूँ, ठीक है, याद रखना, जो उपन्यास मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, उपन्यासों के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, काले फूल का पौधा 1951, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा ये भी उपन्यास है उनका, ठीक है, ये भी, और मन वृंदावन ये भी उनका उपन्यास है साथियों। तो आगे साथियों प्रेम एक अपवित्र नदी ये भी उनका महत्वपूर्ण उपन्यास 1972 में आया। अपना अपना राक्षस 1973 में उपन्यास आया। बड़े भैया बड़के भैया 1973 में उनका उपन्यास आया। आगे साथियों पढ़ लेते हैं और भी, हरा समंदर गोपी चंद्र, ठीक है, हरा समंदर गोपी चंद्र उपन्यास उनका 1974 में आया। बसंत की प्रतीक्षा 1975 में उपन्यास आया। श्रृंगार 1975 में उपन्यास आया, और देवीना 1976 में, और पुरुषोत्तम 1976 में उपन्यास आया था उनका, ठीक है साथियों। तो आगे पढ़ते हैं कहानी संग्रह, उनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं साथियों। आने वाला कल 1957 ईस्वी में, लेडी डॉक्टर 1958 ईस्वी में, सूने आंगन रस वर्षे 1960 ईस्वी में। आगे है नए स्वर नई रेखाएं, ये कहानी संग्रह, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है। एक और कहानी, इसका भी एक बूंद जल, इसका भी प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है, ठीक है, इस कहानी संग्रह का। डाकू आए थे 1974 ईस्वी, ये उनका इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह है। आगे साथियों मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी जो उनका आलोचनात्मक संग्रह जो मिलता है, जैसे बोले कि आलोचनात्मक कृतियाँ, वो इस प्रकार से हैं, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखी पहली वाली। ओके, 1953 ईस्वी में उनका जो थीसिस छपा था, हिंदी कहानियों के शिल्प विधि का विकास। ओके, इसी पर उनको डी फिल की उपाधि मिली थी। आगे साथियों उनका अन्य शोध या समीक्षा संबंधी कार्य, आधुनिक हिंदी कहानी। आगे है रंगमंच और नाटक की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों जी। आगे है पारसी हिंदी रंगमंच, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा उनका समूचा रचनात्मक योगदान हिंदी साहित्य के लिए, बहुत बड़ा नाम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। और कई बार मैं उपन्यासों के लिए नाटक शब्द का प्रयोग कर गया, क्षमा करिएगा साथियों, तो आगे से गलती नहीं होगी। तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, और इसी प्रकार से अन्य वीडियो में आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, ध्यान रखिए अपना।